दोस्तों, इस साल से जो है उच्च शिक्षा मंत्रालय ने सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज के एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि एकेडमिक सेशन इस समय चल रहा है। बहुत से कॉलेजों में जो है एडमिशन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू थी, इसलिए इस बार समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करने का उत्तरदायित्व कॉलेज को ही दिया है। जो भी बच्चों के एडमिशन आपके यहाँ इस सत्र में हुए हैं, उनको उनके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको समर्थ पोर्टल पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ही माध्यम से भरे जाएंगे। आने वाले वर्षों में ये कार्य हर कॉलेज का अपना एक वेब पोर्टल, एक वेब पेज समर्थ पोर्टल बना करके देगा, उस पर बच्चे स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि इस साल समय कम होने के कारण और 20 सेशन में प्रक्रिया प्रारंभ होने से जो है बच्चों के रजिस्ट्रेशन हमें स्वयं करने होंगे। आइए इसकी कुछ स्टेप हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए गए लॉगिन से जो है हम लॉगिन करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग लॉगिन है, तो हर कॉलेज को लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे हम प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इसका जो समर्थ पोर्टल का जो लिंक है दैट इज erac.niv.samarth.ac.in। सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम फिल करेंगे। यूजर नेम फिल करने के पश्चात यहाँ कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए जो है डालेंगे। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो वेब पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। हमें सीधे एडमिशन मैनेजमेंट पे जाना है और प्रोसीड का बटन क्लिक करना है। प्रोसीड का बटन क्लिक करते ही फिर एडमिशन 2024-25 खुलेगा, मैनेज एडमिशन। इसके प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, जैसा देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा, डैशबोर्ड एप्लीकेशन, और सबसे किनारे की तरफ है आपका एडमिन एप्लीकेंट्स। हमें कहीं और नहीं जाना, सीधे एडमिन एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। एडमिन एप्लीकेंट करते ही आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। जितने भी एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑलरेडी करते जाएंगे, ये सब नीचे दिखते जाएंगे आप। तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के पश्चात आपको सारी फॉर्मेलिटी, सबसे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कुछ इस तरह से खुलेगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेंट का नाम, इसमें ध्यान देना है कि जैसा बच्चे के हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है एग्जैक्ट वही नाम फिल करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एप्लीकेंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चे का एक मोबाइल नंबर और एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा उस ईमेल आईडी पे किसी अन्य बच्चे का या उस मोबाइल नंबर पर किसी अन्य बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, करने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे, फिर आगे की फॉर्मेलिटी होगी। फिर हम वापस आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक फॉर्म भरा हुआ है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको उसी डैशबोर्ड पे ले चलते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है।
देखिए जैसे इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट हो जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर बच्चे का नाम तो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं आप, तो ऐसा चाहेगा फिर आप बच्चे के जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर रिलीजन जो भी रेड से स्टार मार्क किए गए हैं वो आपको फिल करने ही करने हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है एक चीज़ और, आईडी प्रूफ मांगता है इसमें कोई नहीं कोई, चूँकि आधार को जो है गवर्नमेंट ने हर जगह वो किया है, तो आपको जो वैलिड आईडी है वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है और उसका नंबर आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आप फिर बच्चे का बर्थ डिटेल भरना है, किस प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, फिर मदर्स फादर्स नेम एज सच इन द हाई स्कूल मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो नंबर है, फिर उसका इनकम सर्टिफिकेट, कंबाइंड फैमिली इनकम, ओके, और अगर डिसेबल है तो उसके सारे डिटेल्स वगैरह भरते हुए, अगर किसी कोटा के तहत आपने एडमिशन लिया है तो उस कोटा का को मार्क करेंगे, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आप एड्रेस में दो एड्रेस भरने, एक कम्युनिकेशन एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। अगर सपोज दैट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस बच्चे का और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक की सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्लिक करते ही आपका हो जाएगा। फिर आप ये सारी प्रक्रिया सारे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। देखिए कोई भी कालम अगर छूटा रहेगा तो तुरंत वहाँ पे रिटर्न करके जो है आपको, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है तो आप वो ये क्वेश्चन मार्क ये पूछेगा, आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्या उस माता पिता की वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है या दो तीन बहनें जो भी हैं, तो आप उनको यस या नो में जवाब देना है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस, अदरवाइज दो या तीन बहनें हैं तो आप उसमें नो या नॉट अप्लीकेबल जो भी आप चूज कर, सपोज दैट मुझे नहीं मालूम है इस बच्चे के कितने भाई बहन हैं, तो हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले में अदर्स डिटेल्स पूछेगा, कोई इलनेस वगैरह का है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो यस, अदरवाइज नो करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, तो अगर हिंदी में बच्चा रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग, तो क्लिक करते हुए अगर अदर लैंग्वेज भी वो जानता है तो उसके बारे में डिटेल देते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आता है अपलोड सेक्शन में आपको बच्चे का फोटो क्लियर कट हो विजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी राइडर्स लगे हुए हैं और बच्चे का अगर फ़ोटो में चेहरा 80% तक नहीं शो होगा तो लेगा नहीं और डिस्कार्ड कर देगा, इसलिए बहुत ध्यान देकर बच्चे का क्लियर कट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर जो है अपलोड करें, क्योंकि वो आने वाले समय में बच्चे के मार्कशीट सर्टिफिकेट हर जगह वही फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर सोन करेंगे दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आईडी प्रूफ जो भी सेलेक्ट किए हैं उसका भी स्कैन कॉपी जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से आप प्रीव्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी इंट्री फिल की है वो दिखेगी, एक बार वेरीफाई कर लें सारी इंट्री सही हो तो आप फॉर्म को कन्फर्म एंड लॉक करके
प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 लाख हो जाने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है आप फिर वहीं एडमिन एप्लीकेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब शो करेगा। देखिए इस बच्चे का हमने किया, यहाँ पे शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी और नाम और फार्म नंबर। अब हम आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, असाइन प्रोग्राम, जो भी बच्चे का हमने कंप्लीट करने के बाद असाइन प्रोग्राम पे जाएंगे, जिस प्रोग्राम के तहत, जिस कोर्स के तहत उसने एडमिशन लिया है तो उसके बारे में ऑलरेडी आपको इंस्टीट्यूशन और कॉलेज प्रीफिल्ड आएंगे, क्योंकि आप कॉलेज की लॉगिन खोल के कर रहे हैं तो इसलिए आएंगे। अगर बच्चे करते तो उनको सेलेक्ट करना रहता है। सबसे पहले आता है प्रोग्राम लेवल, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे बच्चा यूजी लेवल के तहत ले रहा है या मास्टर लेवल पे ले रहा है। जैसे बच्चा मास्टर लेवल पे ले रहा है एडमिशन तो आप जो भी सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट स्कीम, पीआरएसयू कंडीशन में देखिए 2 स्ट्रीम आ रही है, एक है एनईपी स्ट्रीम और एक एनईपी डिसिप्लिन स्पेसिफिक। तो स्ट्रीम में एनईपी स्ट्रीम का सेलेक्ट तब करेंगे जब बच्चे को, जैसे हमने बीएससी या बीए या ग्रेजुएशन लेवल पे जब सेलेक्ट करते हैं तो स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा वहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम से एडमिशन लेता है तो वहाँ पे आ जाता है। और किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन के तहत ले रहा है, जैसे वो बच्चा एम ए इन हिंदी, एम ए इन इंग्लिश या एम ए इन सोशियोलॉजी में एडमिशन ले रहा है तो हम एन ए पी डिसिप्लिन स्पेसिफिक आइकन को क्लिक करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सपोज दैट ये बच्चा को हम चूँकि एडमिशन दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो हम इस केस में क्या लेंगे, एन ए पी डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्लिक करेंगे। ओके, जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा बच्चा किस सब्जेक्ट के तहत ले रहा है। देखिए आप, जैसे हमारे कॉलेज में जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे शो हो जाएंगे, एम ए इन हिंदी लिटरेचर, एम ए इन पॉलिटिकल साइंस, एम ए इन सोशियोलॉजी, एम ए इन केमिस्ट्री। तो जिस डिसिप्लिन के तहत बच्चा एडमिशन ले रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट यहीं पर अगर ये बच्चा मास्टर की जगह बैचलर ऑफ कोर्स में एडमिशन लेता तो यहाँ पे हम एन ए पी डिसिप्लिन लेंगे तो एक यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे ले रहा है। तो यहाँ हमको क्या सेलेक्ट करना है भाई, एन ए पी स्ट्रीम। जैसे एन ए पी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तब आपको आइकन खुलेंगे किसके तहत ले रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ले रहा है, बैचलर ऑफ साइंस ले रहा है या बैचलर ऑफ कॉमर्स के तहत ले रहा है। ठीक है, और सपोज दैट बैचलर ऑफ साइंस में ले रहा है तो उसी के रिगार्डिंग जो है कोर्सेज जो है सेलेक्ट होंगे। आपसे पूछेगा आप किस तरह का करें, 2 मेजर 1 माइनर हमारे कंडीशन में है, अगर 3 मेजर होगा तो वहाँ 3 मेजर दिखाएगा, तो चूँकि हमारे यहाँ एक ही कम्बिनेशन है 2 मेजर 1 माइनर तो हम एक एक करके इसमें, अब पूछेगा मैथमेटिक्स ग्रुप से ले रहा है, बायोलॉजी ग्रुप से ले रहा है, फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जो जो मेजर्स हैं आपको ऑलरेडी जितनी यूनिवर्सिटी द्वारा सीट अलाट की गई हर सब्जेक्ट में वो सीट शो करेगा। ठीक है, एक बार आप लोगों को आर्ट्स का भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी देखिए 2 मेजर 2 माइनर का कंडीशन आ रहा है। कई तरह के डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, देखिए हिंदी लिटरेचर, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस,
जैसे डिस्क्रीन ग्रुप, देखिए जी और इस तरह करके आप आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनल स्टेप्स पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद एकेडमिक्स में सारे इसके हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल के मार्क्स सबमिट करने हैं और थर्ड स्टेप में इनकी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, चाहे वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट्स और उनके इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे चीज़ें यहाँ पे अपलोड करते हुए अगर मैंडेटरी है तो। और लास्ट में जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय देखा था, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट करने के बाद ये बच्चे का कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे भी आप लोग प्रयास करेंगे तो ये काम बहुत आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा। थोड़ा हेक्टिक है, लेंदी है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग फार्म भरने से पहले बच्चे का फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट को स्कैन करके रख लें, तब फार्म भरना शुरू करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया और स्क्रीन छोटी होने की वजह से बार बार हो सकता है बीच में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।